गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम इस ब्लॉग की शुरुआत एक नई इन्फॉर्मेशन से कर रहे हैं जो आपके लिए भी बहुत कारगर हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए तो है, हमें तो आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा रिस्क लेके हम चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपनी गाड़ी की, तो आपको दिखाते हैं। ये हमारी गाड़ी है और हमको आइडिया नहीं था कि CNG किट का हर 3 साल में क्या कराते हैं, सर्विसिंग। हाँ, इसकी टेस्टिंग होती है, हाइड्रो टेस्टिंग बोलते हैं इसको। हाँ, अगर ये टेस्टिंग ना कराए तो रिस्क हो सकता है। हाँ, रिस्क हो सकता है। हाँ, तो ये हमें नहीं पता था। और ये जो हम सालों साल से गाड़ी चला रहे हैं, कल हुआ ये कि CNG वाले ने CNG डालने से मना कर दिया, तब हमें पता लगा कि जो है ऐसा भी होता है। और इनका जो ये है, ये बहुत दूर है हमारी जगह से। ये गोमती नगर एक्सटेंशन से कितना दूर होगा, हमें लगता है 30 किलोमीटर तो होगा। हाँ, नहीं होगा। हाँ, 30 किलोमीटर। और ये सिलेंडर वगैरह यहाँ से यहीं से जाता है क्या? हाँ, ये भी टेस्टिंग के लिए आए हैं, इसकी भी हर 3 साल में टेस्टिंग होती है। अच्छा, इन सिलेंडर्स की भी। हाँ, जो भी जितना भी CNG का काम है वो भी सारे, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ऑटो है, बस है, ट्रक है, गाड़ी है, यहाँ CNG सबकी टेस्टिंग होती है। ये देखिए, अब हमारे CNG का काम शुरू हो गया है। ये पूरा सिलेंडर खोल रहे हैं और इसे पूरा खाली करेंगे, सारी CNG निकालेंगे। स्मार्ट वर्क ये था कि CNG था नहीं ज़्यादा गाड़ी में। ला भैया, दे दो हमें। हाँ, ठीक। देखिए, सेकंड प्रोसेस शुरू।
फाइनली गाइज इन्होंने हमारी गाड़ी में सिलेंडर को फिट कर दिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक बार पूरा सब देख लें, बाकी पूरा डिटेल आप लोगों को हम बताएंगे ताकि ये चीज़ें आपको भी आइडिया। बहुत सारे लोग सीएनजी गाड़ी, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग अब चलने ही लगे हैं सीएनजी गाड़ी से। बहुत सारे हमारे जैसे होंगे जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो गाइज आप लोगों से आज यही बात हमें करनी थी, जिनके पास भी सीएनजी गाड़ी है, हम ये नहीं कहते सब हमारे जैसे बेवकूफ़ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो इतने केयरफुल नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना का रीज़न हो सकता है। इसलिए हर 3 साल पे अपने सीएनजी किट को, सिलेंडर को ले जाके उसे पूरा प्रॉपर उसका चेक उसे चेक कराइए। वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा और फीस होती है उसकी, वो सब जमा होगा, क्योंकि सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है ना। अभी वो बताने लगे, हमको बता रहे थे कि दिल्ली में अभी एक कांड हुआ है, ऐसे अक्सर कांड होते रहते हैं। तो हमें तो खैर फ़िलहाल कोई आइडिया ही नहीं था, तो इसीलिए आज हमने प्रॉपर पूरा वीडियो आपको ये सीएनजी गाड़ी वालों को के लिए पूरा एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हमने बनाई है, जिससे शायद बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिले, बहुत सारे लोग इसके प्रति अवेयर हों और लापरवाही भी ना करें। हमें जैसे ही परसों पता चला, परसों शाम को सीएनजी डलाने गए तो उसने सीएनजी डालने से मना कर दिया, कहा अरे मैडम आप तो आग के गोले पे चल रही हैं। तो हमने कहा क्या, तो फिर बताया उसने, तो फिर हम जाके तुरंत चेक कराए हैं और हमने अपना किट की सर्विसिंग पूरी करा ली, वो आप लोग देख ही चुके हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अपने ब्लॉग, इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय। अरे हाँ, ये तो कहना भूल गए कि अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।